राजधानी में हाई अलर्ट के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री और पूरी की पूरी कैबिनेट और कई हजार जनता दिल्ली की इकट्ठी हुई हुई है, उसमें क्या सिक्योरिटी है कि एक महिला बगैर किसी रोक टोक के पहुंच जाती है माननीय मुख्यमंत्री के स्टेज के पास और वहां कोई पुलिस नहीं दिखती है, उसका सब कुछ होने के बावजूद वहां पे कोई महिला पुलिस नहीं दिखती है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो साजिश नजर आती ही आती है। आपके जेट में सिक्योरिटी में, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में क्या महिला पुलिस होने का कोई प्रावधान नहीं है? 15 मिनट के बाद कोई पुलिस ऑफिसर वहां पे दिखता है और उसके बाद महिला मीडिया बाइट दे रही है, स्याही फेंका गया माननीय मुख्यमंत्री के पास तक, उनके 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 शरीर पे भी कुछ स्याही के छींटे लगी हैं, उसके बावजूद आपने कोई सिक्योरिटी कवर वहां पे नहीं दिया? हो सकता है ये बम होता, हो सकता है ये कोई गोला बारूद होता, क्या करते आप? तो मुझे लगता है बहुत बड़ा लैप्स है, अगर लैप्स भी माने तो। लेकिन लैप्स मानने को मेरा जी नहीं कर रहा, क्योंकि इतना बड़ा, लुधियाने से जब दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री आए तो वहां पे सिक्योरिटी कवर नहीं थी, यहां पे ऐसा रहा, तो लैप्स वो मान सकते हैं। लेकिन मेरा तो मुझे लग रहा है और गहरी साजिश की बू इसमें दिख रही है, और माननीय प्रधानमंत्री को इस पे आगे आना चाहिए, बताना चाहिए देश को कि भाई क्या मामला है।